हाईकोर्ट में धर्मांतरण कानून को दी गई चुनौती, हाईकोर्ट ने याचिका की खारिज। हाईकोर्ट ने लखनऊ में आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने की प्रेसवार्ता, यूपी जोड़ो अभियान की दी जानकारी। कानपुर क्राइम ब्रांच ने लखनऊ में की छापेमारी, दवा गोदाम से मिली 2.5 करोड़ की नकली दवाएं। कानपुर में ब्लैक फंगस का दिखा नया स्वरूप, ऑप्टिक न्यूराइटिस का पहला मरीज आया सामने। कानपुर में 10 हिंदू परिवार पलायन को मजबूर, घर पर लिखा पलायन का संदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं स्वाति चौरसिया, और अब खबरें विस्तार से। लव जिहाद के मामलों को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश में लाए गए धर्मांतरण कानून को लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का वक्त मांगा है। वहीं जवाब दाखिल होने के बाद याचिकाकर्ताओं को 1 हफ्ते में अपना पक्ष रखना होगा। अब 2 अगस्त को इस मामले की सुनवाई होगी। बता दें कि 2 अलग अलग याचिकाओं के जरिए धर्मांतरण कानून को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में आज इसकी सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस संजय यादव और जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा की डिवीजन बेंच ने सुनवाई की। एसोसिएशन फॉर एडवोकेसी एंड लीगल इनिशिएटिव संस्था व एक अन्य ने इस कानून को लेकर याचिका दाखिल की। याचिकाओं में धर्मांतरण कानून को संविधान के खिलाफ और सिर्फ सियासी फायदा लेने के लिए उठाया गया कदम बताया गया। साथ ही याचिका में यह भी कहा गया कि इससे एक वर्ग विशेष के लोगों का उत्पीड़न किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्मांतरण अध्यादेश 2020 के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल सभी याचिकाएं जिसे कोर्ट ने आज खारिज कर दी है, इसमें चूंकि अध्यादेश के बाद एक्ट आ गया था, तो एक्ट आने के बाद ये सभी याचिकाएं इन्फेक्चुअस हो गई थी, लेकिन सभी याचिकाओं में संशोधन कर दिया गया था। लेकिन कोर्ट ने पाया कि चूंकि याचिकाएं पहले दाखिल की गई हैं, उस पर अध्यादेश था और ऑर्डिनेंस के बाद अब जबकि एक्ट आ गया है, लिहाजा इन याचिकाओं के चलाए जाने का कोई औचित्य नहीं है, इनको स्वतः ही खारिज। और वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने आज प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने बताया कि 8 जुलाई से 8 अगस्त तक यूपी जोड़ो अभियान चलाया जाएगा। वहीं हर विधानसभा में 25,000 सदस्य बनाने का काम हम लोग करेंगे। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि आम आदमी पार्टी का सदस्य बनने के लिए किसी को कुछ नहीं देना है। 403 विधानसभा के अंदर अलग अलग मिस्ड कॉल नंबर जारी किया जाएगा। वहीं कई और मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। पूरे उत्तर प्रदेश में चलाकर 8 जुलाई से 8 अगस्त तक 1 महीने तक पूरे उत्तर प्रदेश में यूपी जोड़ो अभियान चलाया जाएगा। और इस यूपी जोड़ो अभियान में प्रत्येक विधानसभा में लगभग 25,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य आम आदमी पार्टी की ओर से रखा गया है। 1 महीने में 1 करोड़ सदस्य पूरे उत्तर प्रदेश। और वहीं उत्तर प्रदेश में भाजपा की सहयोगी निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने आगामी चुनाव को देखते हुए भाजपा से बड़ी मांग की है। उन्होंने कहा है कि भाजपा ने हमें एक कैबिनेट पोस्ट और एक राज्यसभा सीट देने का वादा किया था। हमारी मांग है कि आगामी चुनाव में भाजपा की तरफ से मुझे उप मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए। वहीं उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सामाजिक न्याय समिति कहती है कि 23% आरक्षण में एक बिरादरी खा रही है, वोट हम देते हैं, हिस्सा वो खा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ 2019 में आए थे, हमारे आरक्षण के मुद्दे को हल करने के लिए उन्होंने वादा किया था। 40 सीटें हम मोदी जी के साथ खड़ा होकर आसानी से उन्हें जिताए थे। अब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक लेबल मैसेज गलत जा रहा कि भारतीय जनता पार्टी जो कहते हैं जरूर करती है, लेकिन अब जा रहा कि महाराज जी जब थे मुख्यमंत्री नहीं थे तो ढेर सारे बोले थे कि आपका आरक्षण हम दूर करेंगे देंगे, और वो वीडियो तो 10% इन्होंने जो आरक्षण लिख लिया उसके बाद से आंदोलित है कि भाई मेरा लिखा हुआ नहीं देना, हमारा नाम पिछड़ी जात में जबरदस्ती पिछली सरकार ने डाल दिया हमारी उपजातियों का। हम ऑलरेडी मझवार गांव तुरैया खरवार करोड़पुरी 7 नाम सबसे जाति सूचीबद्ध है। हमारी मांग तो कुछ है ही नहीं, मेरा तो मेरे समाज के भारतीय जनता पार्टी ने खुद कह रखा, वो जो कहा उसी को पूरा कर दे। मैं सहयोगी दल हूँ तो
मैं सहयोगी दल हूँ, 2019 में मैंने उन्हें जिताया था, इस उम्मीद के साथ निर्वाचन होगा। सहयोगी दल के रूप में सरकार चलाना उनका काम, मेरा काम है उनका कहना, बता दिया, अगर हुआ होता तो शायद ये दशरथ के चुनाव नहीं होता। हमें सीट नहीं चाहिए, हमें कोई पद चाहिए, हमें केवल निषाद समाज के जो आरक्षण लिखा हुआ है वो लागू होना चाहिए, लागू नहीं हुआ 70 साल से, इसलिए हमें कुछ सीट चाहिए, क्योंकि हम जब रहेंगे तो उसे लागू करा लेंगे। मैं उन्हें उनके ऊपर मैंने बोल दिया। और आपको बता दें कि लखनऊ में इमारत गिर गई है, लखनऊ में लगातार हो रही बारिश की वजह से आपको बता दें जर्जर हो चुके भवन खतरे की घंटी बने हुए हैं। आपको बता दें कि वहीं वजीरगंज थाना क्षेत्र इलाके में एक इमारत गिरने का मामला सामने आया है। वजीरगंज थाना इलाके में रिवर बैंक कॉलोनी के पीछे स्थित गोमती सदन बारिश के चलते भरभरा कर गिर गया। इस इमारत में रहने वाले 23 साल के गौरव त्रिवेदी की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची SDRF की टीम ने मलबा हटाकर शव को बाहर निकाला। गोमती सदन के देखरेख की जिम्मेदारी नगर निगम के पास थी। वजीरगंज थाना अंतर्गत में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। रिजर्व बैंक की कॉलोनी जो थी, नगर निगम की बताई जा रही है, वो कॉलोनी एकदम से सुबह 6 बजे ढा गई। आप देख सकते हैं कि हम इस समय मौके पर मौजूद हैं, जहाँ पे लगभग 2 लोग रह रहे थे और जो मलबे के नीचे दब गए हैं, जिसमें से 1 लोगों की मौत हो गई और 1 लोगों को जो है बचा लिया गया है, मगर उसको भी गंभीर चोटें लगी हैं, जिसको जो है यहाँ के नज़दीकी ट्रामा सेंटर में भेजा गया है इलाज के लिए, और जो है बचाव दल भी यहाँ पे मौजूद थे और पुलिस भी यहाँ मौजूद थी। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या कारण था कि जो बिल्डिंग है वो जो है ढा गई है। राजधानी और वहीं प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़े हाउस और वाटर टैक्स की दरों को कम करने की मांग की है। कार्यकर्ताओं ने मांग को लेकर के नगर आयुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में एकत्रित सभा नेताओं ने कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते हुए नगर आयुक्त कार्यालय पर जमकर विरोध किया। बड़ी संख्या में नगर निगम कार्यालय पहुंचे प्रदर्शनकारियों की पुलिस से हल्की नोकझोंक भी हो गई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि गृह कर और वाटर टैक्स की बड़ी दरों को अगर सरकार वापस नहीं लेती तो आने वाले दिनों में सपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। सपा नेताओं ने कहा कि नगर क्षेत्र में पशु पालकों का नगर निगम के कर्मचारियों उत्पीड़न कर रहे हैं। रात के अंधेरे में उनके जानवरों को उठा लिया जा रहा है। पशु पालकों का उत्पीड़न बंद होना चाहिए। अगर समय रहते मांगे पूरी नहीं होती तो आने वाले दिनों में सपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। देखिए, आज हम लोगों ने नगरायुक्त महोदय के यहाँ 5 सूत्री मांगों को लेकर के आज हम लोग आए हैं। जो शहर में जो ब्यात जिस तरीके से नगर निगम कर्मचारी द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है, सफाई के नाम पर जो करोड़ों रुपए आया, जो 4 दिन की बारिश में जिस तरीके से नालियाँ बजबजा रही हैं, सड़कों पर पानी भर गया है, वो आम जनमानस और आप सभी लोग देख रहे हैं। और पशुपालकों के साथ जो उत्पीड़न किया जा रहा है, रात में 2-3 बजे रात में नगर निगम की गाड़ियाँ जाती हैं और उनके बंधे हुए जानवर जो खूंटे से खोले जा रहे हैं, इस तरीके की। और वहीं लखनऊ में कांग्रेस पार्टी की प्रेस वार्ता आयोजित हुई, जहां लालजी देसाई सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि पिछले 7 साल में केंद्र व 4.5 वर्ष में प्रदेश के हालात खराब हो गए हैं। कोरोना में गंगा के किनारे लाशों के ढेर दिखे, शासन नहीं कुशासन चल रहा है। देश के प्रधानमंत्री हिटलर शाही कर रहे हैं। वहीं बीजेपी वाले रामलला की जमीन पर भी दलाली कर गए। प्रदेश में आवाज उठाने वाले लोगों को जेल भेज दिया जाता है। सीतापुर जनपद के थाना तालगांव इलाके के अकबरपुर से अपने घर न्यामपुर जा रहे भाजपा विधायक सुनील वर्मा के बहनों संजय वर्मा को अज्ञात बदमाशों ने रोक लिया और फायरिंग करने लगे, जिससे उनके हाथ में गोली लग गई। फायरिंग करते हुए बदमाश मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी जब स्थानीय पुलिस को हुई, मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल संजय वर्मा को नजदीकी अस्पताल लहरपुर में भर्ती कराया। सूचना पर पुलिस अधीक्षक RP सिंह भी मौके पर पहुंचे और क्षेत्र के सभी मार्गों पर पुलिस एक्टिव कर दिया। साथ ही अज्ञात 2 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर फरार बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। मैं बिस्मा की तरफ से जा रहा था, बिस्मा की तरफ से बाइक आ रही थी, वो बाई तरफ ही आकर के हमारे साइड में लगी। बस हमने यही केवल कहा कि देख के भी नहीं चल रहे, बस वो फुटरेस पे खड़े हो, उसने फायर मार दिया। इसके बाद जैसे हम गिरे, इसके बाद दूसरी फायर मिली, इसके बाद झाड़ी में हम कूद गए। वहाँ पर हम बिल्कुल जोर से चीख के एकदम आवाज बंद कर लिए कि ये लगे कि ये उनकी गोली बिल्कुल लग करके खत्म हो गई।
और वहीं कानपुर में सपा के पूर्व विधायक के भांजे ने असलहे के दम पर बुजुर्ग के मकान पर कब्जा कर लिया। पूर्व विधायक सतीश निगम के भांजे ने फर्जी कागजात और असलहे के दम पर अपना कब्जा जमा लिया। पीड़ित ने डीसीपी कार्यालय में न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित का कहना है कि उन्होंने ये मकान आवास विकास कॉलोनी में बैंक की तरफ से की गई नीलामी में खरीदा था, जिसकी फर्जी रजिस्ट्री करवाकर पूर्व सपा विधायक सतीश निगम के भांजे ने असलहे के दम पर कब्जा कर लिया और लगातार जान से मारने की धमकी दे रहा है। डीसीपी ने मामले की जांच कराकर जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मेरा नाम रमेश चंद्र है, ये हमारी पत्नी है। हमने एक आवास विकास की कॉलोनी सिंडिकेट बैंक से नीलामी में खरीदी थी, जिस पर दबंगों ने कब्जा कर रखा है और आशीष निगम और राधेशा। हम कई बार कोशिश किया कि हमको कब्जा मिले, लेकिन उन लोगों ने असलहों के बल पर हमको वहां से भगा दिया। अक्सर जो है हमें देते हैं और हमारे घर आके धमकी देते हैं कि उस कॉलोनी पे अगर तुमने नज़र रखी तो हम तुम पूरे परिवार को मार देंगे। और इस संबंध में मैंने एक एप्लीकेशन डीसीपी को पहले भी दे रखी थी और आज भी मैंने एक एप्लीकेशन दी है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि एक हफ्ते में इसकी जांच करा के हम आपको। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष विमला बाथम ने रानी झलकारीबाई अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने NICU रसोई घर सामान्य वार्ड का किया निरीक्षण किया है। उन्होंने अस्पताल में भर्ती लोगों का हालचाल लिया, साथ ही उन्हें अस्पताल में होने वाली परेशानी के बारे में भी उनसे जानकारी ली। वहीं निरीक्षण के दौरान उन्हें कई खामियां मिली, जिसके बाद खामियों को लेकर चिकित्सालय के स्टाफ को फटकार भी लगाई। और वहीं राजधानी लखनऊ के अमीनाबाद के मॉडल हाउस इलाके के दवा गोदाम से नकली दवाओं के बड़े कारोबार का खुलासा हुआ। कानपुर क्राइम ब्रांच की टीम व लखनऊ पुलिस ने संयुक्त रूप से यहां छापा मारकर 2.5 करोड़ की नकली दवाएं बरामद की हैं। पकड़ी गई 22 तरह की दवाओं को 25 लाख में खरीदा गया था, लेकिन बाजार में इन्हें 2 करोड़ रुपए में सप्लाई किया जाता था। बताया जा रहा है कि देहरादून मुजफ्फरनगर हिमाचल के बद्दी में ऑर्डर देकर नकली दवाएं मंगाई जाती हैं। इस छापेमारी में गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार किया गया, लेकिन सरगना अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। इसके साथ ही 15 प्रमुख मेडिकल स्टोर संचालकों को भी चिन्हित किया गया। पकड़े गए आरोपी ने बताया कि वो 5 साल से इस कारोबार में है। नकली एंटीबायोटिक दवाएं खड़िया और नमक की मदद से बनाई जाती है। 21/6/2021 को एक FIR दर्ज हुई थी, जिसमें क्राइम ब्रांच और थाने की टीम ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था और उनके कब्जे से नकली दवाई बरामद हुई थी। उसी के क्रम में क्राइम ब्रांच टीम और थाना गोविंदनगर टीम के द्वारा लखनऊ में भी रेड की गई। लखनऊ पुलिस के साथ मिलकर वहाँ पे 2 गोडाउन में नकली दवाइयाँ सीज की गई। उनकी दवाई की जो अनुमानित मार्केट वैल्यू है वो 2 करोड़ के आसपास है। इसमें एक अभियुक्त जो है सचिन यादव, उनको आज गिरफ्तार किया गया है और इन सभी जो नकली दवाइयाँ हैं उनको सीज किया गया है। इसमें जो मेन इसमें सरगना है उसका नाम मनी। और ब्लैक फंगस नए नए रूप दिखा रहा है। कानपुर के हेलेट अस्पताल में ब्लैक फंगस से ऑप्टिक न्यूराइटिस इसका पहला मरीज मिला है। दावा यह है कि यह देश नहीं बल्कि दुनिया का पहला ऐसा केस है जिसमें मरीजों की आंखों की नसों में सूजन आ जाती है। नसों में खराबी आने से मरीज की आंखों की रोशनी चली जाती है। हेलेट में भर्ती मरीज के इलाज के साथ डॉक्टर ने उस पर शोध भी शुरू कर दिया है। वहीं पहला मामला होने की वजह से डॉक्टर पीड़ित के इलाज को लेकर कंफ्यूजन में है। डॉक्टरों ने इस केस को अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित कराने के लिए कागजी कार्रवाई पूरी कर ली है। आपको बता दें कि हेलेट अस्पताल में 20 दिन पहले 37 साल के आशीष को एडमिट किया गया था। और वहीं रामपुर में पकड़े गए गौ तस्करों से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। गौ तस्करों ने बताया कि वो पुलिस से बचने के लिए एम्बुलेंस से गौ मांस और मीट की सप्लाई किया करते थे। बता दें कि शाहबाद थाना क्षेत्र के रामपुर रोड पर SOG और पुलिस की संयुक्त टीम से गौ तस्करों की मुठभेड़ हुई थी, जिसके बाद 6 गौ तस्कर गिरफ्तार किए गए थे। मुठभेड़ में 2 गौ तस्करों को गोली लगी थी, वहीं भागते 4 तस्करों को पुलिस ने पीछा कर गिरफ्तार किया था। सभी गौ तस्करों का आपराधिक इतिहास, जिसमें गौकशी, आंसा की चोरी, लूट जैसे मुकदमे दर्ज हैं। वहीं पुलिस ने तस्करों के पास से 1 कार, 2 बाइक समेत अवैध असलहा बरामद किए हैं।
पर इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।